टीसीआर कंपनी है 5-7 करोड़ का जो देखिए, बाल विकास व महिला सशक्तिकरण निदेशालय ने 560 करोड़ रुपए का एक टेंडर जारी किया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो यहाँ की बहुत एक मैं समझता हूँ रीढ़ की हड्डी है आर्थिक रूप से, उसको दरकिनार करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये कहा गया है कि वही सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें सम्मिलित होगा जिसका टर्नओवर 100 करोड़ होगा। पहला सवाल ये है कि क्या 100 करोड़ रुपए का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उत्तराखंड में है या नहीं, और मेरी जानकारी में है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो आखिर किन ताकतों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए राज्य सरकार और निदेशालय बाल विकास और महिला सशक्तिकरण ने ये 560 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करते हुए किसको फ़ायदा पहुँचाने का काम किया, इस पर बहुत एक बड़ा सवाल है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जब यहाँ पे 100 करोड़ का कोई व्यक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप का उसका टर्नओवर ही नहीं है तो आखिर किस प्रदेश के व्यक्ति को दिए जाने की ये साजिश है। इसके ऊपर जो ये टेंडर जारी किया गया 560 करोड़ रुपए का, उसमें लोकल प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि जो गहत है वो नहीं है, मंडवा जो हमारा यहाँ का प्रोडक्ट है वो नहीं है, काला भट्ट नहीं है, सोयाबीन नहीं है। तो ये अगर नहीं है तो पहले ये सब चीज़ दी जाती थी तो आखिर क्यों इनको किसानों को हतोत्साहित करने की योजना बनाई गई, इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसके पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये तो मालूम होना चाहिए कि हमारे किसानों की हालत क्या है उत्तराखंड में, उनकी माली हालत क्या है उत्तराखंड में, और इन माली हालत को उठाने के बजाय उसको और गिराने का अगर प्रयत्न किया जाता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ा एक बेइंसाफ होगा, बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ होगा, बहुत बड़ा धोखा मैं समझता हूँ कि आंगनबाड़ी में जाने वाले बच्चों के भविष्य और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किए जाने की ये योजना मात्र कही जा सकती है।